आज हम सीखेंगे WBM प्रोसेस। इसकी फुल फॉर्म होती है वाटर बाउंड मैकेनिज्म। इसमें आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कहाँ पे क्या फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले होता है आपका बेड लेवल, ये होता है आपका मिट्टी जो होती है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस पर सबसे पहले रोलर चलाया जाता है, इसका कंपैक्शन होता है। जब इसका पूरी तरह से कंपैक्शन हो जाता है तो इसके ऊपर बिछाया जाता है बाउल्डर। जो आपने गिट्टी देखी होगी उसी के साइज बड़ा 90mm इंटू 60mm वाले, 60mm इंटू 40mm वाले सब मिक्स होते हैं, 40mm इंटू 20mm इन साइज के रहते हैं। तो ये बिछाया जाता है, इसके बाद रोलर चलाया जाता है। रोलर चलाने के बाद जब लेवल हो जाता है बाउल्डर सरफेस उसका, तो पानी के साथ फिर रोलर चलाया जाता है। एक तरफ से पानी बहता रहता है आगे चलते हुए और दूसरी तरफ से रोलर चलाया जाता है। जब इस तरह से कंपैक्शन हो जाता है इसके बाद बिछाया जाता है जीरा। जीरे को पूरे रोड पे बिछाया जाता है फैला फैला के। ये आपके 2 से 3 mm 4 mm के साइज के होते हैं। इसे इसलिए डाला जाता है क्योंकि बाउल्डर जो होते हैं बड़े होते हैं, तो दो बाउल्डर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे डालने से ये फ़ायदा होता है कि नीचे जाके जॉइंट को फिल करता है, क्योंकि अगर हम डस्ट डायरेक्ट डालेंगे तो ये डस्ट वहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में लग जाएगा, इसलिए इससे पहले जीरा डाल दिया गया है तो गैप फिल होता है। तो जीरा डालने के बाद आपका रोलर चलता है, रोलर चल जाता है, उसके बाद फिर पानी के साथ आगे आगे पानी बढ़ता रहेगा और पीछे रोलर चलेगा या पीछे आगे, जैसे भी आप रोलर चलेगा पानी के साथ। जब जीरा होके रोलर चल जाता है पानी के साथ, इसके बाद डस्ट पूरे रोड पे फैलाया जाता है। डस्ट बिछाने के बाद फिर रोलर चलता है, उसके बाद फिर पानी के साथ रोलर चलता है डस्ट के ऊपर पूरे। जब ये काम हो जाता है तो जो आपका ये रोड है मान लिया, तो इधर और इधर बांध बना के पूरे रोड पे सॉइल को स्प्रेडिंग मतलब फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद इस बांध में पूरे पानी भर दिया जाता है थोड़ा ज़्यादा, उसके बाद इसके बीच में रोलर चलाया जाता है। इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर मिट्टी डाल के हल्का पानी डाल के आप अगर रोलर चलाओगे तो वो सब बाउल्डर को है उखाड़ देगा। तो ऐसा ना हो इसलिए पानी को ज़्यादा भर दिया जाता है और इस तरह से रोलर चलाया जाता है। जब ये पूरा हो जाता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं WBM। इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटरलॉकिंग टाइल लगवा सकते हैं या बिटुमिन या PCC कर सकते हैं, ये आपके कंपनी के ऊपर है वो क्या करवाना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और शॉर्ट प्रोसेस है WBM का। इसमें आपको बेड लेवल, सबसे पहले जो आपकी मिट्टी होगी वो, इसके बाद आपका रोलर चलेगा। रोलर चलने के बाद जब मिट्टी लेवल हो जाएगा तो आपको बाउल्डर बिछाना है। बाउंडर बिछाने के बाद आपका फिर रोलर चलेगा। रोलर चलने के बाद फिर पानी के साथ रोलर चलेगा। पानी के साथ जब रोलर चल जाएगा इसके बाद आपका रेड सॉइल आता है रोड के लिए। आपका ये कुछ मोरंग टाइप होता है, हल्का मोटा मोटा मिट्टी ही होता है, और इस पूरे को रोड पे बिछा दिया जाता है। इस पर रोलर चलने के बाद फिर ये पानी के साथ चलता है। तो ये भी एक प्रोसेस है। अब कंपनी के ऊपर है वो किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो अलग अलग कंपनी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। और ये बाउल्डर जो होते हैं इनकी थिकनेस कंपनी बताएगी आपको 4 इंच रखना या 6 इंच या 8 इंच, वो पूरी तरह से कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितना मोटाई रखना चाहते हैं रोड के लिए। तो इस वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।